कोरोना वायरस को लेकर भारत समेत विभिन्न देशों में इसका इलाज खोजने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर आई है। एक रिपोर्ट में यहां दावा किया गया है कि सिर की जू मारने की दवा से कोरोना वायरस को 48 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। मोनाश बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। डॉक्टर कायली वागस्टाफ के अनुसार कोरोना वायरस की अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नई दवा खोजने के बजाय हम उपलब्ध दवाओं का मिश्रण बनाकर उपयोग करें तो लोगों को जल्दी फायदा मिल सकता है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, इस तरह इलाज किया जा सकता है। एंटी पैरासाइटिक दवाएं परजीवी से होने वाली बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। परजीवी रोधी यह दवा HIV, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और जीका वायरस के खिलाफ पहले ही प्रभावी पाई जा चुकी हैं। डॉक्टर कायली वागस्टाफ का कहना है कि जू मारने के लिए एवरमैक्टिन नामक दवा का उपयोग होता है। द सन में प्रकाशित रिपोर्ट में मोनाश बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कायली वागस्टाफ का कहना है कि जू मारने के लिए एवरमैक्टिन नामक दवा का उपयोग होता है। हमने पाया है कि इस दवा का एक डोज ही कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। दवा लेने के 24 घंटे बाद वायरस का असर खत्म होना शुरू होता है और 48 घंटे में पूरी तरह समाप्त हो जाता है। एंटीवायरल रिसर्च पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।